एमपी के छतरपुर में ग्राम पंचायत का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। यहाँ एक किसान ब्रजगोपाल पटेल के 15 साल के बेटे की 9 मार्च को डूबने से मौत हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से ब्रजगोपाल ने 13वीं का आयोजन नहीं करवाया, लेकिन ये बात ग्राम पंचायत को अच्छी नहीं लगी और किसान को इस बात पर अपराधी मानकर समाज से निष्कासित कर दिया। साथ ही फरमान भी सुना दिया कि जब तक किसान बेटे की मौत का गांव वालों को भोज नहीं करवाएगा, तब तक उसके यहां गांव के किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं होगा, ना ही वो सार्वजनिक कुएं से पानी भर पाएगा। हमने किसान के पिता से बात की तो वो पंचायत के डर से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। वहीं इस मामले में जब प्रशासनिक अधिकारी की माने तो मामले की जांच की जा रही है और छानबीन के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थाना राजनगर के अंतर्गत ग्राम खजवा का मामला है, जिसमें लड़के की मौत के बाद उसके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित ना करने के कारण उनकी पंचायत सभा बैठी और पंचायत ने फरमान सुनाया कि उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि उन्होंने 13वीं का कार्यक्रम नहीं करवाया। और इस संबंध में जो फरियादी है उसने थाना राजनगर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से उनके द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो जाए करके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से पंचायत द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की बात कही गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र भी राजनगर में प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। क्योंकि क्या है, 9 मार्च की घटना जैसा आप बता रहे हैं, आपसे जानकारी मिल रही मुझे, और 23 मार्च को जैसा कि लॉकडाउन लगा था तो उसके संबंध में जैसे 13 दिन काउंट करेंगे तो अपन आ जाएगा आसपास के उसके रडार में, तो इस वजह से शायद संभावित लॉकडाउन लगने के कारण उसके द्वारा ये नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उसको बहिष्कृत किया गया। जांच के दौरान अगर कोई अन्य बिंदु और तथ्य सामने आएंगे तो उसको पास विधिवत कार्रवाई उस पर की जाएगी। गांव के कुछ लोग होंगे तो क्या उससे पूछताछ की जा रही है, की गई, क्या सामने आया उन लोगों को? हाँ, जांच जारी है इसमें और वहाँ पे थाना प्रभारी द्वारा जा करके लोगों से पूछताछ भी की गई है, कुछ लोगों के कथन भी लिए गए हैं और इसमें लगातार विवेचना जारी है और जैसे ही अन्य तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में आने वाले कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां शासन प्रशासन नहीं बल्कि पंचायतों के फरमान सर्वोपरि माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त तो देश महामारी से लड़ रहा है और इससे लड़ने के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। किसान ने भी वही किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सरकार की बात मानने पर उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। बहरहाल प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल यही है कि डिजिटल इंडिया के दौर में 13वीं का आयोजन न कराने पर बहिष्कार कर देना कहां तक सही है और ऐसी सोच गांवों का विकास कर पाएंगी? छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, एमपी तक।